और आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली क्योंकि आप लोग काफी टाइम से बोल रहे थे भैया इन्वेंट्री वीडियो लाओ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है मेरे पास BGMI में 3 आइडिया हैं और ग्लोबल में मेरी एक आईडी है, तो ये मेरी मेन आईडी की आज इन्वेंट्री टूर वीडियो होने वाली है। और जो मेरी ग्लोबल वाली आईडी है उसकी भी जो है तो इन्वेंट्री वीडियो मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो ये मेरी मेन आईडी की इन्वेंट्री वीडियो होने वाली है और बहुत ही सस्ती इन्वेंट्री है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा सस्ती, बहुत ज़्यादा चीप, आप कह सकते हो इंडिया की सबसे सस्ती आईडियों में से मेरी आईडी आती है। तो अब देख तू गया बेटा। भाई इस सस्ती आईडी की इन्वेंट्री देखने के लिए रेडी हो जाओ। फिलहाल जिसने लाइक किया लाइक कर दो, जो लोग बिना चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को कर लो ऑल पे सेट। तो इस सस्ती सी आईडी की, सस्ती सी इन्वेंट्री की आप सस्ती सी लॉबी देख सकते हो। यहाँ पे बैकग्राउंड में आपको एक स्पेशल लॉबी देखने के लिए मिलेगी जिसमें आप लोग को यहाँ पे टोटल एक गराज है कार का जिसमें कार्स आप देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं आप लोग को दिखाता हूँ, ले चलता हूँ अपनी इन्वेंट्री में एक्स सूट्स की तरफ, अल्टीमेट सेट्स की तरफ। तो यहाँ पे हम सब का प्यारा दुलारा ब्लड ड्रेवन एक्स सूट, मेरा सबसे फेवरेट नंबर वन ऑलवेज। और उसके बाद आप में से कई सारे लोगों का फेवरेट नंबर वन फेरो लेवल 7, हमारा ब्लड ड्रेवन मैक्स आउट है फेरो लेवल 7। और यहाँ पे बहुत लोग का पुराना वाला फेरो फेवरेट है तो आप इसको कम में भी कर सकते हो। एंड देन उसके बाद यहाँ पे अपना सिल्वानस एक्स सूट और यहाँ पे देख सकते हो अपना पोसाइडन अंकल, तो मैंने आप लोग को दिखा दिया। देन उसके बाद यहाँ पे अवेलेंच एक्स सूट, ग्लेशियर एक्स सूट आप इसे कह सकते हो। एंड उसके बाद अपना नेक्स्ट जो एक्स सूट आता है वो यहाँ स्क्रॉल करेंगे, मर्मोरियस फ्योरे एक्स सूट, मर्मोरियस एक्स सूट। देन उसके बाद इरिडेंस एक्स सूट, फीमेल फेरो भी आप लोग इनको बोल सकते हो दीदी जी को। अब सारे एक्स सूट मैं आप लोग को यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। टोटल गेम के अंदर जो एक्स सूट है उनमें अपने पास सारे के सारे हैं। जोकर एक्स सूट यहाँ आया नहीं है, ग्लोबल में अपने पास मैक्स आउट है जोकर एक्स सूट। और ये वाला एक्स सूट मैंने निकाला नहीं था क्योंकि ग्लोबल में मैंने इसको निकाल लिया था, लेवल 5 ग्लोबल में भी है अपने पास और बहुत बेकार लग रहा था इसलिए BGMI नहीं निकाला। तो हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एक्स सूट है टोटल। क्या आप BGMI के टूर्नामेंट्स खेल के रोज 5 लाख रुपए जीतना चाहते हो तो ये पार्ट एंड तक देखना। ए भाई बदल भाई मेरा भाई। तो इस ऐप का नाम है सो स्ट्रॉन्ग जो कि 100% ट्रस्टेड है। सो स्ट्रॉन्ग के 35 लाख से भी ज्यादा के डाउनलोड्स हैं और 10 करोड़ की विनिंग्स ऑलरेडी बांट भी चुके हैं। इस ऐप की सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी कि इसके अंदर काफी टाइप्स के टूर्नामेंट मिलते हैं, स्पेशली इंस्टेंट टूर्नामेंट जिनमें 0 वेटिंग है। और इस ऐप में कस्टम रूम खेलने की भी जरूरत नहीं, बस आप अपना नॉर्मल क्लासिक रैंक्ड मैच खेलो जैसे कि आप रोज खेलते हो। सो स्ट्रॉन्ग खुद ही आपके किल्स डिटेक्ट करके आपको पैसे दे देगा, तो यहाँ से रोज BGMI खेल के पैसे जीतना बिल्कुल गारंटेड है। और तो और सो स्ट्रॉन्ग का एंटी चीट इंडस्ट्री में भी बेस्ट है। तो सो स्ट्रॉन्ग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, वहां से जाके आप डाउनलोड करो और आपको 600 का साइन अप बोनस इमीडिएटली मिल जाएगा। मजा खेल का, बहुत मजा आएगा, जिसे आप फ्री में टूर्नामेंट्स खेल सकते हो। तो जल्दी से जाके साइन अप करो। और मजे की बात यह है कि आप जो भी पैसे जीतते हो वो गूगल पे, पेटीएम, फोन पे, UPI के थ्रू इंस्टेंटली विड्रॉ कर सकते हो। मोगेम्बो खुश हुआ, तो देर किस बात की, डाउनलोड करो फटाफट से और जीतो 5 लाख रुपीज डेली। लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। ये हो गया हमारा एक्सपीरियंस। देन उसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट अल्टीमेट सेट्स की तरफ। तो अल्टीमेट सेट में हमारा सबसे पहला फ्लेम रैथ सेट, भाई फेवरेट सेट, वन ऑफ द बेस्ट सेट में से एक। उसके बाद हमारा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इफ देन ये, एंड उसके बाद ये, उसके बाद ये, और ये भाई इसके बारे में तो भूलना मत भाई। ग्लोबल में 70,000 UC और BGMI में 50,000 UC स्पेंड किया था अल्टीमेट मम्मी सूट के लिए। चलो अब नीचे मिथिक्स दिखा देता हूँ। मम्मी सेट आप सबका फेवरेट है, मर्मोरियस तो आप में से बहुत सारे लोगों के फेवरेट है, दे जिगल। देन उसके बाद वैम्पायर सेट, ये अपना ग्लेशियर वाला सेट, जोकर M4 भाई जोकर सेट बेस्ट, सबसे बेस्ट। फिर अपना जोनाथन अंकल का एक्स सूट बोलो, जोनाथन अंकल की आउटफिट, ये आउटफिट गॉडजिला आउटफिट बहुत सारी अपने पास हैं, ये एक गॉडजिला की आउटफिट हो गई। देन अपना सिग्नेचर आउटफिट भाई, इसको तो भूल नहीं सकते आप लोग। इसका नाम इन लोगों ने चेंज किया है, पहले इसका नाम एनवॉय ऑफ द डेथ सेट था, अभी एमी सैरी सेट कर दिया, कितना बेकार नाम कर दिया। देन उसके बाद ये आउटफिट, इसका इमोट बहुत तगड़ा है, डार्क असैसिन सेट, एंड फीमेल के भी सेट हैं यहाँ पे आप देख सकते हो। और नीचे चलते हैं हम लोग, ये एक हो गया एंड ये एक हो गया, ये एंड अपना भाई ये सेट जिससे अपनी पहली वीडियो वायरल हुई थी, रेड कमांडर सेट, इसको पहन के हम लोगों ने फेरो एक्स सूट को मारा था। फीमेल की आउटफिट येलो मम्मी सेट, देन उसके बाद ये कुछ आउटफिट्स हैं,
और अपने पास कलेक्शन भी है, स्पेशल फोर आउटफिट्स जो आते थे उनके भी कलेक्शन है अपने पास। ये हो गए उन कलेक्शन में से एक, पहला कलेक्शन अपने पास ये भी है। बहुत सारी जोकर सेट वाले अपने पास सारे के सारे कलेक्शन हैं। देन उसके बाद भाई गॉडजिला अंकल को कौन ही भूल सकता है। देन उसके बाद अपना साइबर वाला जो पूरा सेट आया था वो अपने पास पूरा का पूरा कलेक्शन है, एक सूट के हैं कुछ। तो ऐसे करके बहुत सारे सूट हैं। आपका फेवरेट मिथिक सेट कौन सा है मुझे कॉमेंट्स में बताइएगा। और ये वाले भी सेट हैं, ये जिनको भी याद होगा, दुबले पतले लोग आए थे पता नहीं कहाँ से। एंड उसके बाद ड्रैगन बॉल जी, भाई इसको कैसे मिस कर सकते हो गाइस, ड्रैगन बॉल गोकू यहाँ पे अपने पास सब के सब हैं पूरे पूरे। इसमें भी अच्छा खासा अपना दबा के लगा था यूसी। और अपन नीचे स्क्रॉल करते हैं तो ये वाला भी अपने पास सेट हैं। उसके बाद अपने रणवीर अंकल एंड इसी के साथ यहाँ पे अपना ये मिथिक की जर्नी हो गई इधर ख़त्म। उसके बाद लेजेंडरी भी है काफ़ी। तो मिथिक में आपका फेवरेट कौन सा है, एक्स सूट आपका फेवरेट कौन सा है गाइज मुझे कॉमेंट्स में बताना। देन उसके बाद हेलमेट की तरफ चलते हैं। तो हेलमेट में भाई बहुत सारे मिथिक हैं, नॉर्मल भी हैं। जो मेरा फेवरेट मिथिक है वो है भैया मिथिक हेलमेट ये वाला। इसके लिए तो अलग से क्रेट ओपनिंग करी थी आप लोग को याद होगा, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे अपने पास अल्टीमेट ये हेड गियर्स हैं और ये मिथिक हेड गियर्स हैं काफ़ी सारे हैं भाई, भर भर के। अरे मास्क, चश्मा, मास्क में भैया अपना जोकर अंकल का मास्क सबसे तगड़ा। उसके बाद और भी हैं ये सब मास्क वगैरह। बैक पैक देख लो, बैक पैक अपने पास काफ़ी सारे हैं, 9 टोटल मिथिक बैकपैक हैं। और लेजेंडरी बैकपैक में एक तो मेरा ये वाला फेवरेट बैकपैक है जोकर वाला अपना। देन उसके बाद अपना एक ये फेवरेट है एंड अपना एक ये वाला फेवरेट है। आपका फेवरेट कौन सा है मुझे बताना, मेरे तो यही है फिलहाल के लिए। कॉम्बो में अपन इनको यूज़ करते हैं। तो ये हमारी आउटफिट हो गई। अब गन्स जो हैं, गन की स्किन्स अपग्रेडेबल, वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। सबसे पहले अपने इन्वेंट्री की तरफ आते हैं, गराज की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं अपन। US में हमारे पास लैम्बो की है, देख सकते हो ये लैम्बो की है, ये दूसरी। एंड उसके बाद यहाँ पे ये अपनी क्लासिक US की स्किन है, ये अपग्रेडेबल है, मैक्स आउट है अपने पास। और ये है भाई ब्राउन मुंडे कार, ये अपनी OG स्किन। तो ये हैं अपने पास लैम्बो की। देन उसके बाद US में ये हैं पूरी। और चलते हैं नीचे की तरफ, पिकअप में क्या ही दिखाऊँ, सेडान में है भाई तगड़ी। तो अपनी टेस्ला हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद अपनी कॉन्जेक हो गई, लैम्बो। देन उसके बाद अपनी घोस्ट वॉयलेट आई है स्पेशल वाली। एंड सबसे तगड़ी अभी तक की अपनी ये है, वो होने वाली भाई बेंटली की स्किन। और नीचे अपने पास हंटर वाली भी है और ये सब है। उसके बाद इसकी हम लोगों के पास स्किन सिर्फ एक ही एनिवर्सरी वाली। लेकिन भाई आपका स्वागत है यहाँ पर सबसे ख़तरनाक कूप आर्वी की स्किन्स की। तो एक ये है। देन उसके बाद अपनी एक ये है, इसको लगा देते हैं। फिर उसके बाद ये है अपनी ये अपनी फेवरेट भाई रेड बुगाटी, इसका अपने पास मास्टरपीस एडिशन ग्लोबल में भी है। एंड उसके बाद ये एस्टन मार्टिन, तगड़ी है बिल्कुल, एकदम नेक्स्ट गॉड लेवल सेडान हो गई अपने पास। मोटरसाइकिल की स्किन्स भी हैं अपने पास काफ़ी सारी हैं मोटरसाइकिल की। तो भाई ये वाली स्किन सबसे तगड़ी है भाई, ये वाली कहाँ गई भाई, ये ड्रैगन बॉल जी वाली, ये भाई अलग ही स्किन है। ट्राई बाइसिकल और ये सब हैं। उसके बाद चलते हैं भैया इमोट्स की तरफ। तो इमोट्स के लिए अपने को चेंज करना पड़ेगा लॉबी जहाँ पे ये ठीक है। तो ये इमोट भाई साहब, इमोट सबसे तगड़े इमोट हैं, एकदम ख़तरनाक। सब तो नहीं दिखा पाऊँगा आपको, जो मैंने सेट करके रखे हूँ वो दिखा देता हूँ। एक तो ये सेट है, ये भाई शेर वाला इमोट, तो भाई सबसे मस्त अभी तक का सबसे बेस्ट इमोट लिटरली। देन उसके बाद यहाँ पे अपने पास एक ये इमोट है जिसमें दहाड़ता है, ये सरकने वाला इमोट है। एंड ये वाला इमोट है लेन देन वाला, ये कुर्सी वाला इमोट फेवरेट, ये दिखा चुका है मैंने। ये शेर वाला दिखाई दिया भाई, क्या ही तगड़ा है भाई शेर वाला, तो भाई दो शेर। एक अपना ये आइस वाला है और ये भाई ये भी वन ऑफ द बेस्ट इमोट्स में से एक, ड्रैगन वाला अपना। ये देखो भाई कामेहामेहा ड्रैगन, खतरनाक। देन उसके बाद ये अपना दहाड़ने वाला और ये अपना फ्लेम रेथ का अभी भी मेरे पास सेट लगा हुआ है। और ये भी बढ़िया है जोकर एक्स सूट का। और सबसे बढ़िया सबसे बेस्ट इमोट अभी तक का गाइस, एनवॉय ऑफ द डेथ सेट का अपना ये इमोट, भैंस की डिंग डिंग ब्रो, ये है तगड़ा। एक ये कूल वाला और ये है भाई लाइटनिंग वाला, ये भी भाई वन ऑफ द बेस्ट इमोट्स में से एक है, देख सकते हो बिजली गिरेगी पूरी।
और ये रिमोट जिसमें हम लोगों ने भाई डोमिनेट किया था, एंड लास्ट में रॉकेट वाला जिनको भी याद हो, जिसमें डायनमो, मॉर्टल, स्काउट, जॉनथन सब लोग थे, और उसमें भाई अच्छे खासे किल करके चिकन किए थे हम लोगों ने, ये शू रोज एंड ये अपना ग्रेनेड वाला, एंड ये अपना एक इससे वुल्फ निकलता है, ये भी एक ग्रेनेड वाला, एंड ये एक पत्ती वाला, ये ऐसे करके अपने पास बहुत सारे इमोट्स हैं, बहुत सारे इमोट, बहुत ज़्यादा, इतने ज़्यादा हैं कि क्या बताऊँ। ये देख सकते हो बाकी की ये वाला इमोट भाई बहुत तगड़ा है भाई, ये देखो गॉड ऑफ वॉर का पूरा फील आता है भाई इसमें, गॉड ऑफ वॉर का। देन ये भी एक अपना मम्मी सेट का घूमने वाला, ये जॉनथन का, ये भी एक तगड़ा, बहुत सारे इमोट्स हैं तगड़े एकदम से ना, खतरनाक इमोट्स हैं बिल्कुल। ये तो रॉयल पास का, ये अपना एक बैट वाला हो गया, ये वाला बहुत तगड़ा है, लेकिन इसमें एनिमेशन के लिए अपने को आउटफिट पहनना पड़ेगा, वो पूरा कवर खोल के निकलती है भाई, ये भी तगड़ा है, ये तगड़े इमोट्स हैं गाइज, ये नेक्स्ट लेवल इमोट्स हैं इधर के। ये अपना अल्टीमेट मम्मी सेट का इमोट, इसको अलग से लेने के लिए भाई पैसे देने पड़े यूसी, क्या ही बोलूं। ये अपना एक छपरी इमोट, देन उसके बाद पैरासूट की स्किन्स में देख सकते हो अपने पास बहुत सारी पैरासूट की स्किन्स भी हैं, एंड यहाँ पे फिर नीचे चलते हैं तो ग्लाइडर की तरफ चलते हैं, ग्लाइडर्स में भी बहुत सारे भर भर के ग्लाइडर्स हैं, मिथिक ग्लाइडर्स से लेके सारे के सारे। इसके साथ इसको लगा देता हूँ, अच्छा लगेगा ये, ठीक है। और नीचे चलते हैं तो अपने पास वॉइस पैक भी बहुत सारे हैं, देख सकते हो पायल का, जॉनथन का वॉइस पैक है अपने पास, एंड अपना रणवीर भाई का है, ये बेसिक वॉइस पैक, ये तो फ्री में मिले थे, इनका मैंने खोला नहीं था, कितने वॉइस पैक का क्या करेंगे। प्लेन के स्किन में चलते हैं तो ये प्लेन के स्किन है, विंग मैन भाई, इसको मैंने लिया था बुगाटी वाली स्किन में, ये बहुत तगड़ा लगा था, और नेक्स्ट मोड जो अपना आने वाला है उसमें हम लोग ये विंग मैन की स्किन जो है तो अपने हेलीकॉप्टर में यूज़ कर पाएंगे, तो बहुत मजा आएगा, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ न्यू मोड के लिए भाई। देन उसके बाद ये अपने भैया और ये सब चीज़ें, ये और हाँ यहाँ पे अपग्रेडेबल जो अपने पास ग्रेनेड की स्किन है वो टोटल 7 हैं, मॉल्टो की स्किन भी टोटल 7 हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो। और जो मेरी फेवरेट भाई ग्रेनेड की स्किन है अपग्रेडेबल, वो ये कौन सी लगी हुई है भाई, ड्रैगन की लगाओ भाई, ये है भाई ड्रैकोनियन, हाँ इसमें पानी वाली लगी हुई, ठीक है इसमें पानी वाला लगा देते हैं, पानी वाला ग्रेनेड का कहाँ है भाई, सिनोबी कामे, चलो सबका अलग अलग लगा हुआ है, अलग अलग चीज़ें, सही है। तो ये हैं ग्रेनेड के स्किन्स, अभी गन की दिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा, बस फिर ये हो गया अपना ख़त्म। हाँ लॉबी तो दिखाई ही नहीं, लॉबी अपने पास टोटल 6 मिथिक लॉबी हैं, एक तो ये हो गई अपनी, एक अपनी ये वाली, एंड एक अपनी ये वाली, एंड एक अपनी ये एंड ये अपनी कार की गराज वाली, और ये अपनी बेसिक लॉबी है, तो अपने पास टोटल 6 मिथिक लॉबी भी हैं। अब यहाँ पे आते हैं मेरे पास जो सामान मेन पड़ा हुआ है, तो अपने पास जो मेन देखने लायक है वो है मटेरियल्स, और ये अपने पास मिथिक एम्बलम है, 300 मिथिक अपने होने वाले हैं बहुत ही जल्द, मैं दिखा देता हूँ। अपने पास क्लासिक क्रेट के कूपन्स पड़े हुए हैं बहुत सारे भर भर के भाई साहब, M4 ग्लेशियर देंगे तो खोल लें, 103 मटेरियल्स हैं मेरे पास, तो ये हो गया अपना इन्वेंट्री। अब मैं आप लोग को अचीवमेंट में चल के दिखा देता हूँ, जो मेरी KD चल रही है अभी वो देख सकते हो, KD चल रही है मेरी 21.8 की, इस सीज़न मुझे भाई 15+ KD मेंटेन करना था, लेकिन मैंने 20+ मेंटेन कर दी, अब देखते हैं कि इस सीज़न क्या मैं 20+ KD मेंटेन कर पाऊँगा गेम प्ले बनाते बनाते, ठीक है। तो अभी अपनी चल रही है 21.8 की, और ये देखो टॉप 10 हेडशॉट सब कुछ, आपको करियर रिजल्ट देखना तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा करियर रिजल्ट मेरा टोटल सब कुछ शुरू। अभी तो ये 25+ की KD होती, लेकिन मैंने बहुत सारे मैच एग्जिट भी किए हैं, लगभग 5 से 10 मैच एग्जिट किए हैं। अचीवमेंट्स में चलते हैं अपन, ऑनर एंड अचीवमेंट, ठीक है अचीवमेंट ठीक है, ये रहा अचीवमेंट, तो अपना हाँ ये रहा अल्टीमेट फैशन अपना होने वाला है, जिसके लिए अपने को 12 अल्टीमेट चाहिए, और अपने को मिथिक से 12 ही मिथिक भी चाहिए गाइज, अपने को 12 मिथिक होने के बाद मिथिक फैशन 5 कंप्लीट हो जाएगा हम लोग का 300 मिथिक, तो भाई ये अलग से वीडियो इसकी आएगी बहुत तगड़ी वाली।
अब यहाँ पे हम लोगों ने आपको ऑलमोस्ट सब कुछ दिखा दिया, चलते सीधे अब गन लैब की तरफ। लेकिन उससे पहले कंपेनियन दिखा दूँ। कंपेनियन में अपने पास देख सकते हो लायन है, लायन मेरा फेवरेट है। देन उसके बाद अपना ये अंकल जी, ये यहाँ दिखाता हूँ तो सही रहेगा। अच्छा यहाँ से नहीं देखेंगे कौन कौन से हैं। एक तो ये है अपने पास बिल्ली, दूसरी बिल्ली, एक कुत्ता, पेंगुइन, ये नाचने वाला, और ये अपना गॉडज़िला भाई सबसे मस्त। फिर उसके बाद ये, तो अभी तो अपना शेर ही है सबसे तगड़ा। शेर अंकल की स्किन ये आउटफिट में देख सकते हो भाई, ये आउटफिट बहुत महंगी है लिटरली। एंड ये वाली अनलॉक होगी पता नहीं कब। तो ये अपना हो गया ये। अब यहाँ पे चलते हैं अपने लैब की तरफ। टोटल 77 अपग्रेडेबल वेपन्स हैं अपने पास। ये क्या है अटैक इफेक्ट, ये क्या है भाई अटैक इफेक्ट, ये क्या है बॉस सिर एलिमिनेशन इफेक्ट। चलो तो ये हो गया, ओन्ड में क्लिक करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, तो एआर गन्स जो अपनी पास हैं वो सबसे पहले अपनी पहली लेवल 7 की। ये बहुत लोग कंफ्यूज हैं गाइस कि M4 ग्लेशियर पहले आई थी या फिर ब्लड एंड बोन्स आई थी। तो आप में से कितने लोग को पता है कि कौन सी पहली गेम की अपग्रेडेबल गन थी, मुझे कमेंट्स में बताना। देखते हैं आप में से कितने लोग सही जवाब दे पाओगे। देन उसके बाद अपनी प्यारी दुलारी ग्लेशियर ऑन हिट इफेक्ट के साथ, अपनी सेकंड फेवरेट गन भाई द फूल। भले इसमें ऑन हिट इफेक्ट नहीं है लेकिन ये अभी भी सबसे तगड़ी गन्स में से एक है। अपनी फेवरेट AKM जिसके जरिए हम लोगों ने अपने गेम प्ले की शुरुआत करी थी। मेन तो ये तीनों गन्स हैं जिनसे हमने शुरुआत करी थी, ये तीनों गन्स। देन उसके बाद बैरल लेवल 5 है, AKM लेवल 7 है, ये वाली M4 मैंने नहीं करी अपग्रेड। देन उसके बाद ये लेवल 4 है, ग्रोजा लेवल 4 बैरल, इसको नहीं किया था अपग्रेड। स्कारल अपनी लेवल 7, ये AKM अपनी दिखा चुका मैंने अपने को, गोल्ड वाली है ये नॉर्मल वाली है, दोनों लेवल 7 है। M4 ये वाली नहीं करी, ये बैरल अपनी लेवल 7 की थी मैंने, ऑग अपनी नहीं करी थी अपग्रेड। और ये भाई ग्रोजा, ये भाई अलग ही भाई जुजुत्सु काइज़न भाई, सुकुना की ग्रोजा है भाई बहुत प्यारी। फर्स्ट लेवल 8 ग्लोरियस मूवमेंट वाली M762 बेस्ट, लिटरली बेस्ट अभी तक की ये है भाई इसकी ग्लोरियस मूवमेंट। देन उसके बाद इसको नहीं किया था हमने। देन उसके बाद सेकंड ग्लोरियस मूवमेंट AKM का आया था, ये भी बहुत तगड़ा लगा मेरे को, तो बहुत ज़्यादा तगड़ा। ये ऑग आई थी इसको नहीं किया। थर्ड कारल बेस्ट, मतलब ये पहले की जो ग्लोरियस मूवमेंट वाली गन थी ये भाई बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट गन में से एक है शुरू की तीनों, बैरल, AKM, स्कारल। देन उसके बाद AKM पिछली वाली से भी बेटर ग्लोरियस मूवमेंट वाली आई ये। तो आप मुझे कमेंट बताना ये वाली AKM आपको ज़्यादा बढ़िया लगी ग्लोरियस मूवमेंट में, या फिर आपको ये वाली ज़्यादा बढ़िया लगी। मेरे को तो भाई ये वाली, क्योंकि तो ड्रैगन का पंजा निकलता है भाई गलत ही। फिर उसके बाद आई भैया अपनी M416, शुरू में तो M416 अपनी जो थी ये उतनी तगड़ी लगी नहीं थी हीट इफेक्ट के कारण, लेकिन अभी इसका हीट इफेक्ट काफ़ी अच्छा कर दिया है। और ये पहली M416 मतलब पहली गन की स्किन है जिसके साथ आपको लिंक्ड मॉल्टो एंड अपना ग्रेनेड आता है। मतलब आप गन अपग्रेड करोगे तो आपका मॉली और ग्रेनेड से जो बंदे फिनिश होंगे उनके भी सेम इफेक्ट आएगा। देन उसके बाद अपनी ऑग, फर्स्ट एवर ऑग ग्लोरियस मूवमेंट, इसका भी बहुत तगड़ा था, इसको भी मैंने अपग्रेड किया हुआ है। स्कारल को मैंने नहीं किया क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी स्कारल अच्छी लगी थी मुझे। फिर एस आई, इसमें ग्लोरियस मूवमेंट तो नहीं है लेकिन भाई इसका भाई तगड़ा है भाई सिस्टम इसका, मतलब ये एक बढ़िया गन है भाई, बढ़िया, बहुत ज़्यादा बढ़िया, ये मेरे को बहुत पसंद आई थी। फायर आर्म मोड भी है इसके साथ, एक स्पेशल से लोगों ने दिया था, और फिर मैंने इसके साथ बहुत मैचिंग करती है। इसका गेम प्ले अगर आप लोगों को चाहिए कि इसमें एस और स्कारल यूज़ करूँगा, मतलब इनका कॉम्बो आप सोचो कितना तगड़ा लगेगा, पूरा हरियाली सिलवाना से। फिर उसके बाद भाई ये M4 बेस्ट, आई थिंक सो मुझे ये वाली M4 अभी ग्लेशियर से भी ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि इसका ऑन हिट बवाल है। लूट क्रेट भी इसकी अच्छी है, ग्लेशियर वाली से अच्छी नहीं है। इसका ऑन हिट इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा तगड़ा है, तो मैं इस समय यही वाली M4 यूज़ कर रहा हूँ, ग्लेशियर नहीं यूज़ कर रहा हूँ। देन उसके बाद अपनी फार्मास आई जिसको मैंने लेवल 4 किया, इसका भी भाई बहुत तगड़ा ऑन हिट इफेक्ट है और इसमें भी ग्लोरियस मूवमेंट देखने को मिल जाता है। इसको मैक्स आउट करूं या नहीं करूं आप लोग बताना। इसको मैंने मैक्स आउट इसलिए नहीं किया क्योंकि इसका यूज नहीं करता, ठीक है। ये अपनी AR की हो गई। देन उसके बाद अपने पास आते हैं नेक्स्ट SMG गन्स की तरफ। तो UMP भाई मस्त मस्त गन भाई, ग्लेशियर UMP बेस्ट, बहुत तगड़ी UMP की, बहुत टाइम के बाद कोई अच्छी स्किन आई। फिर ये सब हैं तो इनको अपग्रेड नहीं किया।
वेक्टर है अपने पास, इसको मैंने अपग्रेड नहीं किया क्योंकि वेक्टर मैं यूज़ नहीं करता हूँ। आप लोग बोलोगे तो इसको अपग्रेड कर लेंगे, मैं वेट कर रहा हूँ कि नया कुछ आए तो फिर उसको करते हैं। UMP की बहुत सारी स्किन है लेकिन इनको किया नहीं। देन उसके बाद ये है अपनी एक, ये एक अपनी वेक्टर, ये पुरानी वाली UMP, ये SMG में मैंने सिर्फ एक ही मैक्स आउट करी है, ये वाली जो कि बेस्ट लगी मुझे। देन उसके बाद चलते हैं स्नाइपर की तरफ। आप में से कई सारे लोगों को स्नाइपिंग बहुत पसंद है, तो यहाँ पे अपनी M24 है लेवल 4। मैं ज़्यादा स्नाइपिंग करता नहीं इसलिए मैंने इनको अपग्रेड किया नहीं। VSS लेवल 4, SKS लेवल 4, मिनी लेवल 4, K98 लेवल 4। देन उसके बाद M24 ये वाली नहीं की एंड SKS वाली नहीं करी। ओम मैंने गॉडज़िला ओम भाई फेवरेट, इसको अब मैक्स आउट किया भाई। ये गॉडज़िला भाई OG स्किन है गॉडज़िला की। देन उसके बाद ये नॉर्मल ये भी है अपने पास, आई थी एक K98 की भी है। ये अपने को 10 UC में निकली थी। M24 की अभी निकाली थी मैंने स्किन, M24 बोल रहा हूँ, AWM ये रही M24। इसको मैंने लेवल 4 किया था, इसमें लिंक्ड वेपन आया था M24 में, तो मैंने इसको अपग्रेड कर लिया था कि देखते हैं। फिर भाई सबसे बेस्ट स्किन, सबसे बेस्ट ग्लोरियस मूवमेंट, सबसे बेस्ट ग्लोरियस मूवमेंट भाई। इसके जैसा ग्लोरियस मूवमेंट नहीं है किसी भी गन का, मैं लिख के दे रहा हूँ। लूट क्रेट नॉर्मल बेसिक, फाइनल फॉर्म बहुत तगड़ा, हीट इफेक्ट बहुत तगड़ा, एलिमिनेशन ब्रॉडकास्ट बहुत तगड़ा, एडवांस फॉर्म नॉर्मल है और एलिमिनेशन स्पेशल इफेक्ट बहुत तगड़ा, एक्सप्लोजन इफेक्ट बहुत तगड़ा, सब कुछ इस गन में भाई गॉड लेवल है। देन उसके बाद ये AMR जिसको मैंने अभी रिसेंट अपग्रेड किया है, इसका फाइनल फॉर्म बहुत तगड़ा, हीट इफेक्ट भी तगड़ा लेकिन हीट इफेक्ट का कोई मतलब नहीं है, एलिमिनेशन ब्रॉडकास्ट भी बहुत सेक्सी है, एडवांस फॉर्म एंड ये। तो ये AR हो गई। शॉर्ट गन में अपग्रेडेबल अपनी DBS आई थी एंड एक ये आई है, तो दोनों मैंने अपग्रेड करके रखी है। M249 में अपनी रणवीर सिंह वाली नहीं करी क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये वाली कर ली थी, ये इसमें हीट इफेक्ट भी है, तो ये वाली M249 भी बहुत ज़्यादा प्यारी लगी। DP की अभी तक कोई भी लेवल 7 की नहीं आई है, तो इसको मैंने लेवल 4 करके रखा हुआ है। एक ये अपनी ड्रैगन बॉल जी वाली है, तो मैं अभी इसी को यूज़ करता हूँ DP अगर यूज़ करता हूँ कभी तो। देन उसके बाद पैन में चलते हैं, तो पैन में भाई OG स्किन पैन की सबसे बेस्ट ग्लोरियस मूवमेंट के साथ, इसके अलावा अभी तो कोई नहीं यूज़ करने वाला क्योंकि ग्लोरियस मूवमेंट है इसमें और इसका ग्लोरियस मूवमेंट बहुत प्यारा है। पिस्टल की अभी तक कोई भी स्किन नहीं आई है। तो ये रही गाइज हम लोग की इन्वेंट्री वीडियो। आई होप सो मैंने आप लोग को सब कुछ दिखा दिया, कुछ भी मिस नहीं किया है। ये BGMI की मेरी मेन आईडी है जिसको मैं यूज़ करता हूँ गेम प्ले बनाने के लिए, अभी के लिए गेम प्ले जिससे मैं निकाल रहा हूँ। और अगर आप लोग को मेरी BGMI की सेकंड और थर्ड आईडी की इन्वेंट्री चाहिए तो कमेंट कर देना, और ग्लोबल आईडी की अगर आपको इन्वेंट्री चाहिए तो बताना, क्योंकि भाई इसके मुकाबले ग्लोबल आईडी में माल बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मतलब ऑलमोस्ट उसमें भी 300 मिथिक होने वाले, तो समझ जाओ, और एक्सूट भी सारे के सारे अनलॉक हैं। तो बस गाइस आज की वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं एक और नए कमाल की वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।